नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति थे। 15 जून 2012 को प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति बने। प्रणब मुखर्जी बेहद प्रभावी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी समेत देश की समस्याओं को सुलझाने में अपना बड़ा योगदान दिया था। प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस का संकट मोचक कहा जाता था। प्रणब दा की 10 ऐसी खासियतें हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते। चलिए हम बताते हैं आपको प्रणब मुखर्जी की कई अनसुनी बातें। प्रोफेसर प्रणव। 11 दिसंबर 1935 को जन्मे प्रणब मुखर्जी प्रोफेसर भी रहे थे। उन्होंने 1963 में पश्चिम बंगाल के विद्यानगर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को पढ़ाया था। पत्रकार प्रणव। प्रोफेसर के अलावा प्रणब मुखर्जी ने पत्रकार के रूप में भी काम किया था। प्रणब मुखर्जी ने स्थानीय बंगाली समाचार पत्र देशकर डाक में बतौर पत्रकार भी काम किया था। इंदिरा गांधी बनी मार्गदर्शक। शायद कम ही लोग जानते हैं कि राजनीति में प्रणब मुखर्जी को इंदिरा गांधी लेकर आई थी और उन्होंने ही राज्यसभा का सदस्य बनने में प्रणब का मार्गदर्शन किया था। कर्मठ प्रणव। प्रणब मुखर्जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत कामकाजी थे। उनकी आदत में लगातार काम करना शामिल था। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी भी बताती थी कि प्रणब एक दिन में 18 घंटे काम किया करते थे। वो मुश्किल से छुट्टियां लेते थे। प्रणब केवल दुर्गा पूजा के दौरान ही छुट्टी लेकर अपने गृह नगर मिराती जाते थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रणव। प्रणब के बारे में कहा जाता है कि वो एकमात्र ऐसे मंत्री थे जिन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा के बल पर 4 बड़े मंत्रालय यानी रक्षा, वाणिज्य, विदेश और वित्त मंत्रालय को संभाला था। ये उनका टैलेंट ही था जो उन्होंने एक साथ सभी मंत्रालयों को विस्तार दिया था। 7 बार किया बजट पेश। प्रणब अपनी तरह के इकलौते वित्त मंत्री हुए थे जिन्होंने 7 बार बजट पेश किया था। इसके लिए उन्हें 1984 में यूरोमनी मैगजीन द्वारा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री भी घोषित किया गया था। जब प्रणब हुए नाराज। एक समय ऐसा भी आया था जब प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। वो समय था इंदिरा गांधी के निधन के बाद का समय। प्रणब ने तब कांग्रेस छोड़कर अपनी राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी बनाई थी। 40 सालों का साथी। प्रणब दा के बारे में एक बात कही जाती रही है कि वो एक डायरी रखते हैं जो पिछले 40 सालों से उनके पास है, जिसे उनके निधन के बाद ही प्रकाशित किया जाना है। 7 दया याचिकाएं की खारिज। वो देश के उन राष्ट्रपतियों में से एक थे जिन्होंने कई दया याचिकाएं खारिज की थी। प्रणब ने 7 दया याचिकाओं को खारिज किया था जिनमें अफजल गुरु और अजमल कसाब की भी दया याचिका शामिल थी। बतौर राष्ट्रपति बच्चों को पढ़ाया। इतना ही नहीं, प्रणब का बच्चों, छात्रों और जिज्ञासु युवाओं के प्रति खासा झुकाव था। उन्होंने इसका एक सबूत साल 2015 में दिया था जब शिक्षक दिवस के मौके पर 5 सितंबर को स्कूल के बच्चों को उन्होंने राजनीतिक शास्त्र पढ़ाकर इतिहास बनाया था। तो ये थी प्रणब मुखर्जी की 10 खास बातें जिन्हें ये देश कभी नहीं भुला पाएगा। जनसत्य न्यूज की तरफ से प्रणब दा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। धन्यवाद।